नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कुशीनगर में सातवें चरण की का मतदान होना है। सारे प्रत्याशी अपने अपने जो राजमाइस में लगे हुए हैं। यहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य और इंडिया गठबंधन से अजय प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के वर्तमान सांसद को ही दोबारा टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी चुनाव में कुशीनगर से एक क्रांतिकारी युवा भी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और वो भी अपना भाग्य आजमाने के लिए जनता की अदालत में उतर चुके हैं। नाम है वेद प्रकाश मिश्रा, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की थी और कई क्रांतिकारी काम भी किए, यहाँ कई लड़ाइयाँ भी लड़े जो कि युवाओं से संबंधित थी, छात्रों से संबंधित थी। बहुत बहुत स्वागत है वेद प्रकाश मिश्रा जी आपका। जी सादर धन्यवाद, और कुशीनगर की जनता की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, कुशीनगर का जनता का स्वागत। ये भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है और भगवान श्री राम की कुश की राजधानी है कुशीनगर। इस कुशीनगर की जनता और इस कुशीनगर की जन्म पे मैं इस कुशीनगर की भूमि पे मैं जन्म लिया हूँ, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ बाबा सिद्धनाथ भी हैं और बगल में जो है माता खिड़किया माँ हैं, और इनके आशीर्वाद स्वरूप और हनुमान जी की कृपा स्वरूप मैं लोकसभा 65 के प्रत्याशी के रूप में इस कुशीनगर की गरीब किसान नौजवानों की सेवा करने के लिए मैंने आज नामांकन किया। नामांकन के बाद मेरा चुनाव चिन्ह भी मिला है अलमारी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बार तुम मुझे खून दो मैं तुझे तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था, और मेरा नारा है कि आप मुझे मतदान करें मैं आपको रोजगार दूंगा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपने जो वस्त्र धारण किया है जी, भगवा जी, जो कि एक संत का वस्त्र होता है जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय एक संत हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, आप भी इसी रोजगार में हैं, पूजा पाठ करते हैं जी, एक संत के रूप में आप भी समाज में जी, ऐसा क्या आपके ऊपर ऐसा क्या आया, आपने क्या ऐसा सोचा कि आप इस समय चुनाव मैदान में उतर गए? देखिए, ये धोती कुर्ता गमछा ये भारतीय पोशाक है, और भगवा वस्त्र तो त्याग का प्रतीक है। जिस व्यक्ति जो त्याग समर्पण और सेवा की भावना जिनके अंदर रहेगी वो तो भगवा धारण करेंगे, और भगवा इस भारत का पहचान रहा है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा जाए और अनेकों योद्धाओं को देखा जाए कि भगवा धारण किए। मैं विगत कुछ वर्षों से मेरे मन में चल रहा था कि नहीं, इस कुशीनगर से एक युवा सांसद होना चाहिए, और मैंने अपने मन में धारणा भी बना ली थी कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूंगा। कई वर्षों से लगातार मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के सेवा समर्पण की भावना से, वैसे देखा जाए तो मैं जब बहुत छोटा था 17-18 वर्ष का, तो उसी समय से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण की भावना से प्रचार किया करता था। श्री हौसला नंद पांडे जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल, इसके बावजूद आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कहा जाएगा कि आपको 7 जन्म के बाद टिकट मिलेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है, और देखा जाए तो श्री विजय दुबे जी को जिनको टिकट मिला है उनके बेटे हैं ब्लॉक प्रमुख श्री शशांक दुबे जी, तो परिवारवाद हुआ कि नहीं हुआ? सवाल ये भी उठता है कि जो पार्टी ये कहती है कि मैं परिवारवाद नहीं करता, वही पार्टी फिर से परिवारवाद कर रही है कि नहीं कर रही है? बेटा ब्लॉक प्रमुख है, एक सांसद है, अब पुनः उन्हीं को पुनः सांसद का टिकट देना, ये क्या दर्शाता है? या तो यही दर्शाता है ना कि आप राजा को राजा बनाएंगे और भिखारी को भी भिखारी। आपने जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था, आपने जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था जी, तो क्या आप भी भारतीय जनता पार्टी के पास टिकट मांगने के लिए गए? टिकट मांगने के लिए मैं प्रदेश कार्यालय पर गया था, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी वार्ता हुई थी टिकट के लिए, लेकिन उन्होंने 3 बार वैसे ही हास्यास्पद रूप से कहा कि क्या आपको टिकट मिल सकता है, क्या आपको टिकट मिल सकता है, क्या आपको टिकट मिल सकता है? तो मैं निरुत्तर हो गया। मैं काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, पुनः उनके पास गया और कहा कि जो पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वह पार्टी
तो टिकट दे ही सकती है, पूरी उम्मीद है कि टिकट दे सकती है। उसके बाद आपने यहाँ के गोरखपुर क्षेत्रीय प्रभारी और प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी, माननीय श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी से मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि आपको 7 जन्म के बाद टिकट मिलेगा। अच्छा। मैंने निर्णय कर लिया कि अब इसी जन्म को ही 7 जन्म बना के लड़ने में, और 7 जन्म का इंतजार अगर युवा पीढ़ी करना चाहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे कि 7 जन्म के बाद टिकट मिलेगा। मुझे अपने आप स्वतः ये आभास हो गया कि बहुजन समाज पार्टी जो थी करोड़ों करोड़ों रुपया लेके टिकट दिया करती थी, वही सेम परिस्थितियां आज भारतीय जनता पार्टी के पास भी चल रही हैं। अब जितने युवा हैं आप देखे, विधानसभा का चुनाव का में टिकट मांग रहे थे गौरव तिवारी, क्या हुआ, धनबल बाहुबल के आगे उनको दबा दिया गया पूरी तरह से। किसी भी क्या युवा को नेता नहीं बनने देना है, युवाओं के प्रति क्या संवेदनाएं भारतीय जनता पार्टी रख रही है कि जितनी भी वैकेंसियां निकली, नियुक्तियां निकली, सारी नियुक्तियां लीक हो गई, एक भी जो है नियुक्ति नहीं हुई। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये है हमारा कि आप जनता की अदालत में इस लोकसभा चुनाव में उतरे हुए हैं जी, क्या मुद्दा है आपका, क्या मुद्दा लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दा मेरे पास सबसे पहले ये है कि श्रमिक बाहुल्य अपना कुशीनगर है, और यहाँ के श्रमिक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक हैं जो यहाँ से जाकर वहाँ श्रम करते हैं, लेकिन इनका शोषण किया जाता है पूरी तरह से। इनके ऊपर एक ठेकेदार हावी होते हैं जो इनका जितना भी पारिश्रमिक होता है उसमें से कटौती करके देते हैं। बढ़ती हुई महंगाई का असर है, और देखेंगे तो केवल एक वर्षों के अंदर अगर कुशीनगर में पूरा जनपद का आंकड़ा निकाल लिया जाए तो कम से कम 2100 से अधिक युवा सुसाइड किए हुए मिलेंगे, लेकिन हम केवल एक ग्राम सभा का आंकड़ा है कि 2 युवा हमारे सामने एक वर्ष के अंदर ही सुसाइड किए। एक हमारे ग्राम सभा के ही मागी कुरिलवा के श्री गणेश चौहान के बेटे हैं, एक कमला चौहान के बेटे। तो ये स्थिति है, यहाँ 500 लोगों के रोजगार के लिए भी एक भी फैक्ट्री नहीं है इस पूरे कुशीनगर जनपद में। और मैंने अपने दृढ़ संकल्प किया है, गौ माता का शपथ लिया है कि जिस दिन मैं सांसद बनूंगा 5000 लोगों को रोजगार मिले ऐसा फैक्ट्री बनवाऊंगा इस कुशीनगर में। कुशीनगर में 18 लाख मतदाता, 17 लाख कुछ 800 कुछ मतदाता हैं, लगभग 18 लाख के करीब। तो ये मतदाता को एक बार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सांसद बनते ही कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिले ऐसी व्यवस्था बना दूंगा, इतना फैक्ट्रियां इस कुशीनगर में लगवा दूंगा। औद्योगिक क्षेत्र हैं, लेकिन आप बताइए औद्योगिक क्षेत्रों में अगर 500 लोगों को भी रोजगार मिलता हो तो मैं बोला था कि मैं नामांकन वापस ले लूंगा, कोई मुझे रिकॉर्ड दे दे, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं दे पाए। कल कुशीनगर में अमित शाह जी आ रहे हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। मैं आपका एक ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक वक्तव्य की तरफ कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे 2014 में, वो पहली बार जब यहाँ कुशीनगर में अपनी सभा करने के लिए आए थे, रविंद्रनगर में उनकी सभा लगी हुई थी, उन्होंने एक बात कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो सरकार बनने के 100 दिन के भीतर पडरौना का चीनी मिल चलवाया जाएगा। तो जनता, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 3650 दिन से ऊपर हो चुके सरकार बने हुए, लगभग 10 साल हो गए, 3650 दिन होने के बाद भी अभी चीनी मिल चलवाने की बात तो दूर की बात है। चीनी मिल पे मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई भी नेता या कोई भी बड़ा नेता जाके वहाँ की हालत को देखा होगा, इस पर आप क्या क्या कहना है? देखिए, जनता पूरी तरह से भेड़ों का झुंड चलता है, एक भेड़ जो है जाके गड्ढे में गिर जाती है तो पीछे रहे हुए भेड़ ये नहीं देखते हैं कि जो है कि आगे गड्ढा है कि नहीं, सारी भेड़ें उसी गड्ढे में जाके गिर जाती हैं। जनता भी उसी स्थिति में चल रही है, मैं तो प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं ना, सेम कंडीशन चल रहा है। जनता अपना हित नहीं देख रही है, पहले गरीब परेशान हुआ, नोटबंदी हुआ, गरीब त्राई त्राई मचा, गरीब सड़कों पे आया, उस समय गरीब कोस रहा था भारतीय जनता पार्टी को। फिर आया किसानों की बारी, किसानों की जो है आपका यूरिया का मूल्य देखा जाए तो सीधे जो है पहले 50 किलो की बोरी यूरिया आती थी, फिर घटा के 45 किलो की कर दी गई, फिर घटा के 40 किलो की कर दी गई, किसान भी परेशान हुआ। 1997-98 के गन्ना मूल्य का भुगतान अभी बाकी है। पडरौना चीनी मिल चलाने की बात हुई तो एक वादा किया गया, वादा झूठा निकला,
इनकी सरकारें जो है केवल वैकेंसियां कही थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा पिछले बार किया गया था, इनके एजेंडे में था भारतीय जनता पार्टी की। 2 करोड़ को कौन पूछे, इस पूरे भारत में अगर देखा जाए 2 करोड़ के कौन पूछे, ये लोग 2 लाख नौकरियां भी नहीं दे पाए हैं भारत के युवाओं को। क्या बात करते हैं ये लोग, केवल इनकी जो भी नियुक्तियां हैं वो इनकी कागजों में ही दिख जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जितनी वैकेंसियां निकली सारी वैकेंसियां कैसे जो है लिख कर गए पेपर, सारे पेपर आपके रहते हुए कैसे लिख कर गया, एक भी नियुक्तियां नहीं। कुल मिला जुला के युवाओं को ये लोग क्या कर रहे हैं, बूथ प्रमुख बना रहे हैं, पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, मंडल प्रमुख बना रहे हैं और मंडल महामंत्री बना रहे हैं। इस प्रकार से युवाओं के एक एक पद दे दिया जा रहा है, युवा पूरा सीना तान के चल रहा है कि मैं इस पद पे हूँ। रोजगार से तो मतलब है नहीं, इन्हें शिक्षा से तो मतलब है नहीं। हाँ ये जरूर मैं कहूँगा कि एक दिन जनता जब उस गड्ढे में जैसे भेड़िया पड़ी रहेंगी, जब चिल्लाएंगी सारी भेड़िया परेशान होंगी, तो उसके बाद जो है जनता जागृत होगी। जिस जैसे गड्ढे में जब दुख मिलेगा, जब कोष आ जाएगा, जैसे मान लीजिए गरीब परेशान हुआ था तो उस समय कोष रहा था ना भारतीय जनता पार्टी को, किसान परेशान हुआ था उस समय कोष रहा था, GST लगा व्यापारी परेशान हुआ और सड़कों पर आया उस समय जो है व्यापारी कोष रहा था। तो किसान गरीब, किसान नौजवान, नौजवान जब नियुक्तियां नहीं हुई तो नौजवान कोष रहा था। लेकिन यही सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण कार्य है कि चुनाव आते ही सारे लोग ये सारी दुखे और सारी कष्टें जो इनके ऊपर गुजरा हुआ है भूल जाते हैं लोग, फिर से नए नए इनको वादे दे दिए जाते हैं, नए नए जो है इनको मुद्दे दे दिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की तमाम तरह की जो है लड़ाइयाँ लड़ा दी जाती हैं और फिर से ये लोग बहक के जो है हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे अन्य तरह के तरह तरह की बातें आ जाती हैं और वोट कर देते हैं। आप जनता के बीच में जा रहे हैं जी, वोट मांग रहे हैं जी, क्या जनता का क्या समर्थन प्राप्त हो रहा है? देखिए जनता ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो हमारी बातें रख सके, जो रोजगार की बात करे। पार्टी ने यहाँ के वर्तमान सांसद को प्रत्याशी बनाया है, समाजवादी पार्टी ने देवरिया से एक प्रत्याशी ला करके अजय प्रताप सिंह सहितवार को प्रत्याशी बनाया है, साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बना करके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी बात क्षेत्र में बता रहे हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई है। ठीक है, आपको एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर तो बाहरी होने का ठप्पा लगा हुआ है, यहाँ की जनता कह रही है या विरोधी कह रहे हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि रामचरितमानस पर तमाम तरह के बयान दे करके उल जुलूल बातें करके वो अपना विवादों में रहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए मैंने यही पहले कहा था कि एक मान लीजिए कैंडिडेट जिनको मिला है वो परिवारवाद का, जो पार्टी विरोध करती है वो परिवारवाद को पूरी तरह से हावी कर रही है, विजय दुबे के जी के बारे में मैं कहा। दूसरी चीज मैं अब कहूंगा पिंटू सिंह सहतवार जी के बारे में। जनता भली भांति देख चुकी है, इनका शपथ पत्र निकाल के देख ले कितने इनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। तीसरे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो सनातन पर बार बार वार करते हैं, ब्राह्मणों पर बार बार वार करते हैं। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं इनके मन में क्या आ रहा है कि ये कुशीनगर से चुनाव बार बार लड़ने आ रहा है। मैं पिछले बार तो कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं से भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव आप हारेंगे, और देखे आप फाजिलनगर से ये लड़े चुनाव हारे बुरे तरीके से। अब रह गया कुशीनगर से ये सांसद के लिए उम्मीदवार बन के आए और पूरी तरह से कोशिश में लगे हैं कि मैं चुनाव जीतूं, इसके लिए बाकायदे सारे लोग साम दाम दंड भेद सारा तरीका अपना रहे हैं, जो जितना हो सकता है चाहे रुपया दे के किसी तरह से खरीद फरोख्त भी इस जिले में चालू है। मैं तो एक गरीब कैंडिडेट जो लोगों के सहयोग के द्वारा चुनाव लड़ रहा हूँ, एक हनुमान जी की ही कृपा है जो नामांकन कराए, नामांकन के बाद जो है मेरा पर्चा भी नहीं निरस्त होने दिए, सबका पर्चा 8 पर्चा निरस्त हुआ था लेकिन उसमें भी हमारा बचा लेगा, चुनाव भी हनुमान जी ही जिताएंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ और यहाँ की जनता का भरोसा है। यहाँ की जनता हमेशा से जो है देखिए आपराधिक लोगों को नहीं स्वीकार की है, यहाँ की जनता हमेशा स्वच्छ छवि वाले लोगों को चुनी है। हाँ कभी कभी भूल भटक के 1-2 गलतियां की हैं जिसका पश्चाताप भी जनता करती रही है 5 वर्षों तक। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि इस बार जनता के मन में अगर ये रुपया का लोभ ना हो और
रुपया से न खरीद फरोख्त किया जाए और जनता अगर रुपया का प्रलोभन छोड़ दे और स्वच्छ छवि का चुनाव करे तो मैं चुनाव जीतूंगा, ये मेरा वादा नहीं दावा है। और रह गई बात यहाँ की मैं क्या करने वाला हूँ इस कुशीनगर के लिए, तो मैं बता दूँ कि 21 लोगों को अपना एक कार्यालय बनाऊंगा जहाँ 21 लोगों को मैं बैठाऊंगा कि जनपद के जितने भी गरीब लोग हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास, शौचालय, वह सब निःशुल्क ऑनलाइन करेंगे लोग और सबको निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा, एक रुपया घूस नहीं लिया जाएगा, भ्रष्टाचार पूरी तरह से इस कुशीनगर से समाप्त कराया जाएगा। और इस समय आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी घुसखोरी और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आई थी, ये बताइए कहीं भी घुसखोरी कम हुआ है क्या? जनता ही बता दी मुझे, अगर घुसखोरी कम हुआ हो तो भ्रष्टाचार क्या कम हो गया क्या? नहीं हुआ, सीधे दुगुना हुआ। और देखा जाए तो ये तीन तीन प्रमुख दावेदार इस कुशीनगर में हैं और पूरी तरह से दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। चौथे में एक शिवनारायण चौहान जी हैं। शिवनारायण चौहान जी का मैं भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में हैं, कैंडिडेट वो भी लगे हुए हैं बतौर कैंडिडेट। अब रह गई, देखिए जनता जाति समीकरण देख रही है, जनता जाति समीकरण पे जा रही है, अब जनता किसको चुनती है? इन चारों लोगों में अगर युवा के तौर पे देखा जाए तो मैं पूरी तरह से युवा हूँ, युवा सोच रखता हूँ, युवा जोश रखता हूँ और जनहित के कार्य करने के लिए मैंने दृढ़ संकल्प लिया है। मैंने ये भी कहा है कि मैं गौ माता का शपथ लेता हूँ कि अपने लोकसभा के जो भी तनख्वाह तक मिलेगा वह भी मैं जनता की सेवा में समर्पित करूंगा। इस लोकसभा में एक रुपया किसी रोड बनवाने पे, किसी सड़क बनवाने पे, किसी प्रकार का जो है स्वास्थ्य विभाग का मकान बनवाने पे एक रुपये का घूस मेरे लोकसभा में कोई नहीं लेगा, ये मैं वादा नहीं दावा करता हूँ, न मैं लूंगा। इसीलिए मैं आया हूँ कि घुसखोरी समाप्त हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो। अगर ऐसा मैं नहीं किया तो मैं ये भी कहा हूँ जनता के सामने कि यदि मैं नहीं किया तो 5 वर्ष के बाद पुनः आपको आएगा। देखिए देखा जाता एक बार की कौन कैसा है, फिर से उसका राजनीतिक रूप से पतन निश्चित है और जनता तय कर देती है। मैं तो ये कह दिया हूँ कि 2.5 वर्ष के अंदर अगर मैं ये सब कार्य नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप जनता जब आएगी कहेगी मैं इस्तीफा दे दूंगा, जनता जिन्हें चाहे उन्हें चुनाव कर लेगी, ये भी मैं वादा नहीं दावा कर दूंगा। चुनाव में 4-5 दिन और शेष बचा हुआ है, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं अपने लिए? कुशीनगर की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि इस बार आप युवा सोच, युवा जोश का साथ दीजिए, कुशीनगर से एक युवा सांसद का चुनाव कीजिए। चुनाव चिन्ह है अलमारी, अलमारी के सामने वाला बटन दबाएंगे, कुशीनगर में एक स्वच्छ छवि का युवा क्रांतिकारी नेता पाएंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।